السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جي آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں کہ جلد, از جلد کرنی چاہیے.

माँ जब तक हजा वो जल्दी करेंगे अलफरा अफ़ारी जब तक लोग अफतारी जल्दी करते रहें तब तक वो खैर पर रहेंगे ला यजाल्ला सब इसको दो दो बार पढ़ें ला जाल्ला सुबिखई ऋण ما عجلوا الفطرة ما عجلوا الفطرة دي سيمة ياضو جايبو هات كڑا کر لے. जी अभी तक एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ जी खराब पड़े अलिकुम वरम मुझ तक तो आवाज आपकी नहीं आ रही السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقية کو آواز آ رہی ہے اقرا ناز کی سعد بن سهل رضي الله رسول صل الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما اجل الفطره जी हम आगे बढ़ते हैं वान अनस इब्ने मालिक जी वालेकुम सलाम अस्सलाम वान سال ابن سعد رضي الله تعالى عنه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صلى الله عليه وسلم मा لا يجنا سو हम आगे बढ़ते हैं बल्कि हम कल इस पे बात कर चुके थे कबल अज वक्त ही अफतारी वक्त हो जाए और वो वक्त क्या है गुरूब आफ्ताब तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए अफतारी कर लेनी चाहिए साहब किराम मजमाइन का अमल भी इस पर मिलता है अबू सुदरी रजिये आफि इबिन ने फारी में जिक्र किया है कि अबू सद खुदी रदी ने अभी सूरज की टिकिया ही गायब हुई थी फौरी तौर पर उन्हें फ्तारी कर ली मुराद बहुत जल्दी इसी तरह आमिर इबन ममून का बयान है जो कि तबयही हैं मुसन्फ़ अब्बुल वगैरह में इनकी ये रिवायत मौजूद है उन्होंने कहा कि सहाब कराम रदवानल्लाजमान जो थे वो अफतारी बहुत जल्दी किया करते थे लेकिन शहरी जो है वो तिर से किया करते थे आमिर इबन महा मुन्नफ़ इबनबी शैबा में ये असर मौजूद है और हाफ साहब ने फतहुलबारी में इसको सही करार दिया है कि ये कौल उनका सही है इसकी सनत सही है अल्लाह अकबर कबीर तो वाजे है सॉरी जी जी अगर जल्दी अफतारी करना आजकल तो ये कहा जाता है ना अजान जब अजान होगी तब भी करनी है अफतारी चाहे टाइम हो जाए या ना हो सूरज ग्रूब हो जाए या टिकिया ग्रूब हो जाए तो फिर भी अजान के वक्त ही करनी नहीं हमें तो इसके बारे देखना है क्योंकि अजान अहलुल हदीस जो हैं वो अजान बर वक्त कहते हैं बकिया की कुछ अक्रम सर तो ये फर्ज है कि वो पूरे वक्त पर अजान कहे और जरा भी उसमें तखीर वगैरह ना करे अगर टाइम हो जाए तो अजान से पूरे खोल दे तो खोल सकता है रोजाट काट सकता है यानी अजान अगर नहीं हो रही तो

यहां आ, जी ठीक है तिरमजी की रिवायत इसके साथ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल अल्लाहल फरमाता है अहब्बू इबादी इैया आजम फितरा अहब्बू ज्यादा पसंदीदा इबादी मेरे बंदों में से इैया मुझे वो कौन से लोग हैं आजलहुम जो उनमें ज्यादा जल्दी करने वाले हैं फितरन रोजा इफ्तार करने के अतबार से रोजा इफ्तार करने में जो सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं तो अल्लाह अल्लाहल ने फरमाया कि वो मेरे पसंदीदा बंदे हैं मैं उनके साथ मोहब्बत करता हूँ जी अहब्ब आज़ल आज तरा जिसको याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर लेब अबादी आजल हमफित आजल हम फित अब्दुलरहमान कहते हैं कि मोजिन पहले खुद अफ्तार कर सकते हैं जी बिल्कुल उसका तरीका यह है कि पहले खुद अफतार करे और फिर अजान कहे जी شاء الله मालूम हुआ अल्लाह तुबारो को तला महबत करते हैं एक फिर है इसी तरह एक फिर है अशारिया आप अगर हमारे साथ दरसन दामी भी कुछ आप में से तलबा तालबात कर रही हैं तो खासा क्लास में आपने वो किताब पढ़ी है शरखला उसमें मुख्तलि गुमराह फिरों का तारफ़ है तो उसमें आपने पढ़ा है या इन शह आगे पढ़ेंगे मतिला और दीगर फिरक बातिला वो कहते हैं कि अल्लाह तहबत नहीं करता क्योंकि अः महबूब जो है महबूब के सामने चूंकि वो मोहब्बत कर रहा होता है तो मोहब्बत में उसको अपने जवाबित में अः लचक लेकर आना पड़ती है जी मिसाल आ, वालिद अपने बेटे के साथ बड़ी मोहब्बत करता है या वालिदा बच्ची के साथ बड़ी मोहब्बत करती है तो वो बच्चा पैसे मांग रहा है और वालिद कहता है कि मैंने नहीं देने उसनेसूल बनाया कि पैसे आपको नहीं दूंगा फल और दीगर चीजें ला कर दूंगा लेकिन बच्चे की ज्यादा जिद ज्यादा परेशान करना या ज्यादा लाड़ प्यार के साथ पैसे मांगना तो ये महब्बत की वजह से उसूल कवानी टूट जाते हैं तो इस तरह की वो बातें करके कहते हैं कि अल्लाह तला नाउुबिल्ला महबत नहीं करता आहल सुन्ना वल जमा का नजरिया इस हवाले से बड़ा साफ शफाफ है वो ये लई शकम इसलिए ही शही मखलूक की मिसालें खाल के मुतक नहीं दी जा सकती

जी ये एक अकीदे से मुतालिक बात थी इसको भी हमें समझना है हम आगे बढ़ते हैं अफतारी के मुतालिक का हमने पढ़ लिया कि अफतारी जल्दी करनी चाहिए और वही बंदा अल्लाह के यहाँ महबूब है इस पर दो अहदीत हमने पढ़ी हैं जो आपको ज़ुबानी इन याद हैं तो कहीं भी आपको अफ्तारी पर बात करनी पड़ जाए तो ये दो दो अहदीत जो हमने पढ़ी हैं ज़ुबानी आपने सुनानी है इनशल्ला अनस बिन मालिक और उन्होंने कहा रसोलोरी क्योंकि साहरी में बार बरकत है बार बरकत है सहूर जो है इसको सीन के फतेह के साथ अगर पढ़े तो इससे मुराद अः खाना है साहरी का जो खाना होता है और अगर इसको जम्मा के साथ पढ़ें असहूर तो उसका मतलब होता है आ, खाना खाना मतलब जो इंसान का फेल होता है जो वो काम कर रहा है उस पर लफ्ज़ सहूर बोलते हैं और जिस चीज के साथ वो कर रहा है फेल मतलब खाना खा रहा है उस खाने को क्या कहते हैं रोटी सालन चावल वगैरह वगैरह इस पर लफ्ज़ बोलते हैं सहूर और जो वो खा पी रहा है खाने पीने के अमल पर लफ्ज बोलते हैं सुहूर थोड़ा सा फर्क है इसको भी समझे तसहारूफ एन नफी सहोरी बरकतन तसारूफ इन नफी सहोरी बरकतन जिसको याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर ले हम्म माशाल्लाह जी अति आपढ़े बाकी सारे सोए हुए हैं ऐसे ना किया कि इस क्लास है एक्टिव होकर बैठे हैं इतने आपके जेन कमजोर नहीं है इन्शाल्लाह बस तब्बज्जो की कमी होती है तब्बज्जो किया करें अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वालिकुमुसलाम रह तालाय बरकतु जी तसहरु फ़इन फिर सहूरी बरकतन करेंसूल ने कहा करे, करे, जी तो आप सलम ने फरमाया की साहरी करो साहरी में क्या है बरकत है अब यहाँ जो तस्हारु है अमर का सीगा है लेकिन ये वजूद के लिए नहीं इस्ते के लिए है ये वजूब के लिए नहीं इस्तेबाब की इसके कई करीने वगैरह मौजूद हैं नबीस्म विसाल करते थे मतलब बगैर साहरी के रोजा रख लेते थे इस पर रिवायतें मौजूद आगे भी आप पढ़ेंगे तो अगर ये फर्ज होता तो नबीसलाम सबसे पहले खुद इस पर अमल करते सबा कर राम का भी बसावकात विसाल करना यानी बग़ैर साहरी के रोजा रखना वो भी साबित है उस पर हम तफसी के साथ बाप आगे जो विशाल वाली हदीसा है उस पर इन हम करेंगे अलाकुल्लहाल साहरी अः फर्ज नहीं है लेकिन आप इसको आम अल्फाज में कह लें कि करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बरकत है फिर ये जो सहरी है इसमें आ, यानी बरकत जो है ना वो बरकत दो तरह की है वो दीनी बरकत भी है और दुनियावी बरकत भी है कैसे कोई बता सकते हैं दीनी इस हिसाब से है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी करो तो आपके हुक्म पर वो अमल कर रहा है फिर सहरी करने की वो नीयत कर रहा है नीयत का अजर फिर नबी नबीसलाम के तरीके की इक्तदा कर रहा है पैरवी कर रहा है इसकी जो है ना वो अजर उसको मिलेगा नीयत का अजर वगैरह उसको मिलेगा ये भी क्या है इबादत है तो दुनियावी एबार से भी उसको ज़ाहिर खाना नसीब हो जाएगा बगैर खाए अगर वो रोजा रख लेता है अगर वो काम काज करता है मिसाल के तौर पे मजदूरी करता है कोई और काम करता है तो अच्छे से वो काम कर नहीं पाएगा वगैरह वगैरह तो दिनी फायदा भी है और दुनियावी बर बरकत भी इसके अंदर है फिर जो सहरी है ना ये अः आप सल्ला अक्सर मामला में फरमाते थे कि यहूद की नसारा की मखालफत करो तो साहरी करने में यहूद नसारा की मुखालफत भी है आप फरमाया कि फसल मबीना सियामीना और सियामी किताब अखलतल सौजूद है आपने फरमाया हमारे और दरमियान के दर अहले किताब के दरमियान जो फ़र्क है वो साहरी करने का है वो साहरी नहीं करते हम करते हैं इसी तरह जो इंसान साहरी कर लेता है तो वो सारा दिन यानी हशाश बशाश रहता है बग़ैर खाए जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है मतलब कि भूखा होता है और भूख के साथ वो काम नहीं कर सकता लेकिन सहरी जिसने की है खाना पीना खाया हुआ है वो आ, अच्छी इबादत कर सकता है वो आ, जो है अपने योमिया जो उसके मामूलत वगैरह हैं वो सर अंजाम दे सकता है इसी तरह वो तिलावत कुरान कर सकता है जिक्र दुआ में आ, इसी तरह फिर जो साहरी के लिए उठता है जाहिर है अः हमारी माए बहने बेटियां बहने जी वो साहरी तैयार कर रही होती हैं मर्दों को उठा दिया जाता है और वो दो नफल पढ़ लेते हैं दो नफल पढ़ने का मौका मिल जाता है या कम अज कम उस वक़्त एक वितर पढ़ने का मौका मिल जाता है अल्लाह के सामने कोई दुआ करने का जो है ना वो वक्त मिल जाता है बहुत सी खैर और बरक़ात है जो इससे हासिल हो सकती हैं सर इसमें जिसमानी और रूहानी बीमारी भी खत्म हो जाती है क्योंकि रोजे में तो एस, आ, होता है कि रोजा रखते हैं जब हम तो हमें एक रूहानी एक ताकत अल्लाह तला हमें देते हैं तो उसमें हमें इतना सबर आता है कि हमें हम ऐसा हम लगता है कि जैसे हमने कुछ ना खाकर भी हमने हर चीज हमारे लिए बहुत एक आसान हो जाती काम आसान आम रूटीन से ज्यादा हमारे लिए रोजे में काम आसान होता है तो रूहानी ताकत भी होती है जिसमानी ताकत भी रोजे से मिल जाती Hmm. جيوان وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نے اذا افطر احدكم فليفتر تم على تمر خجور پر فإن لم يجد بس اگر وہ فليفطر تو کرے على ما ان پانی, پر پانی کے ساتھ فإنه طهور کیونکہ باقي ذا رواه الخمسه والصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم اذا افطر احدكم على تمرين اس کو چار چار بار بره. اذا افطر احدكم فليفطر على تمر جي فإن لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور जिसको ये मतन याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर लें यहां से ये बात मालूम हुई है कि अफतारी किसके साथ करनी चाहिए खजूर के साथ अगर वो मुयसर ना हो तो फिर पानी के साथ सुन अभी दाऊद माजा तिरमजी वगैरह और दीगर कुतुब में जो रिवायत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफतारी करते थे तर खजूर के साथ अगर वो नहीं होती थी तो फिर खुश खजूर के साथ और अगर वो भी ना हो तो फिर कुछ पानी के घूट अकबर कबीरा यानी मालूम हो गया कि पहले तर खजूर अगर वो नहीं तो खुश खजूर खुश्क में ये हमारे यहाँ छुआरे नहीं होते वो भी इसमें शामिल है और अगर वो भी नहीं है तो कुछ पानी आप हसा हसवा मिम्मा, पानी के चंद घूट भर लेते और नमाज के लिए निकल जाते हमारे यहाँ अल्लाह ताला मुआ फरमाए बस बैठ जाते हैं खाने कोई फिक्र नहीं नमाज की बस ठीक है अपनी करवा लेंगे अपनी करवा लेंगे तरह तरह की डिशेज़ जो है ना वो मौजूद हैं कभी वो खाओ कभी वो और फिर बीमारियाँ और ये और वो तो नबी अफ्तारी तो यही है खजूर पानी वगैरह के साथ आप रफ्तारी करके तशरीफ़ तो ले जाते खाना पीना जो है मज़ीद वो नमाज के बाद जी अब्दुल रहमान सुनाना चाह रहे हैं अबुआनस पढ़ना चाह रहे हैं पढ़े अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ले जाए अफ़तर आदो कुम फलियुफ्तर अला तमरेन फ़ाइलम यजिद फलियुफ्तर अला माइन फ़ाइन्ना हुता हुरुन हम्म जी तो इस पर हाफिज़ इबिन ने जादुलमाद में तिब्बी फ़वाद भी इसके जिक्र किए हैं कि चूँकि सारा दिन मैदा जो है वो खाली रहा होता है इसके साथ वो हीटअप हुआ होता है तो फौरी तौर पर भरी भारी भारी गज़ाएँ वो कबूल नहीं करेगा तो बेहतर है सबसे पहले चंद खजूरें खाई जाएं ताकि मैदे को कुवत हासिल हो जब कुवत उसके पास आ जाए तो फिर बकिया जो गजा है वो खाई जाए और दीगर अतबा ने पानी की जो ज़िक्र की है हैमत वो ये है कि पानी खजूर की आदम मौजूदगी में पिया जाए ताकि वो जो हिद्दत है मैदे की उस शिद्दत में कमी आ सके और उसके बाद जो है फिर उसको दीगर गज़ा वगैरह कोई खिलाई जाए अलाकुल हाल हम यहाँ समझते हैं दीन इस्लाम का कोई भी हुक्म हो वो हिकमत से खाली नहीं है वो हिकमत हमें समझ आए ना है वो अलग मामला है हिकमत से खाली नहीं दीन इस्लाम इंसान इसला... की सेहत का और दीगर चीज़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है आ, जी आगे पढ़ना है ये, यहीं तक इक्तफा करना है जी मेरे ख्याल में एक हम पढ़ लेते हैं ये मज़ीद आप चाहेंगे तो हम आगे भी पढ़ लेंगे

बगैर अफतारी रोजा रखते रहना ये होता है विशाल विशाल का मतलब होता है मिलाना वसाला या सिलू का मतलब होता है मिलाना तो मिलाना मतलब बगैर खाए पिए रोजे को आगे जारी रखना मिलाना एक रोजे को दूसरे के साथ मिलाना बगैर साहरी अफतारी के तो अहले किताब वगैरह तो ऐसा करते रहे लेकिन आ... नबी अलैहिस्सलाम की इस हवाले से तालीत क्या है इसके मुतालिक मुतिक दो तीन तरह की आरा रहा है उसको हम अभी देखेंगे तो उस आद, एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप तो विसाल करते हैं तो आपने फरमाया को मिथली और तुम में से कौन है मिथली मेरी तरह का तुम में से मेरी तरह का कौन है इन्नी बिला शुभा मैं अभी तो रात गुजारता हूँ यू तीन मुझे खिला देता है रब भी मेरा रब जी जवेरिया पूछती हैं खजूर की ताद जी ताक अदद में होनी चाहिए वयस्किन और मुझे पिला देता है नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और था आपको अल्लाह ताला खिला पिला देता था मतलब रात को आपने कुछ भी नहीं खाया तो अल्लाह ताला पिला खिला देता था लेकिन बकिया लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था तो आप तो विसाल कर सकते थे यानी बगैर सहरी इफ्तारी के आप अगला रोजा और उससे अगला रोजा शुरू कर सकते थे क्योंकि अल्लाह ताला आपको खिला पिला देता था बकिया लोगों के साथ जब यह मामला नहीं था तो यह अपनी जान पर जुलम है कि आदमी इतने दिन बगैर सहरी याफ्तारी के ये रोजा रखता जाए फलम अब बस जब उन्होंने इनकार किया साहबा ने आईता हूँ कि वो बाज आए रुके अनिल विशाल विशाल से यानी साहबा के नाम को आपने मना किया ना कि ना विशाल करो नहा अनिल विशाल आपने विशाल से मना किया लेकिन जब उन्होंने इनकार किया कि वो विशाल से रुके वल यौमन तो फिर नबी नबीआई ने सहाबा के साथ मिलकर विशाल किया फिर अगला दिन भी किया हिला फिर उन्होंने चांद देख लिया हिलाल इन्होंने चांद देख लिया तो आपने फरमाया लऊरिला अगर चांद अभी मुखर होता ना लेट होता तखीर होती इसमें लजित तो कुम तो मैं फिर ज्यादा दिन तुम्हारे साथ विशाल करता कल मुनक की गोया के आप डांट रहे थे लहुम उन्हें उस वक्त अब जब उन्होंने इनकार किया के वो रिवायत का खुलासा क्या है कि साहबा के राम को आप वसल्लम ने मना किया कि विसाल ना करो उन्होंने कहा कि आप भी करते हैं हम भी करना चाहते हैं तो फिर आपने कहा अच्छा चलो करो मेरे साथ विशाल विशाल किया एक दिन दूसरा दिन भी किया तीसरे दिन चाँद नजर आ गया तो तीसरे दिन रोजा ना रखा तो आपने फरमाया अगर ये चाँद नजर ना ना आता मतलब कि और दिन भी होते पांच दिन सात दिन जितने भी होते तो मैं तुम्हारे साथ विशाल करता ही रहता क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है तुम्हें अल्लाह ताला खिलाता पिलाता नहीं है फिर तुम खुद ही विशाल करना छोड़ जाओगे तो गोया आप स्युन्हारे स्युन्हारे ने डांट डपट की यहाँ साहबा कराम की के ऐसा ना करो जब मैं मना कर रहा हूं तो मेरी बात को मानो और इस तरफ तो यहां आ, उलमा जो है उनके यहाँ कई तरह के अकवाल हैं विसाल के हवाले से आ, पहली राय ये है जी विसाल आ, इसको बिटाते हैं फिर जी पहली राय क्या मैं जिक्र कर रहा था कि विसाल हराम है इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम हनीफा वगैरह वगैरह ज्यादातर की यही राय है कि विसाल हराम है अभी हमने जो हदीस मुबारक का पढ़ा ना तो इनकी दलील यही है जो अभी हमने हदीस मुबारक का पढ़ी है जो अपने मफह में बिल्कुल वाजे है कि आपने उनको डांटा है और कहा है कि ना करो मना है आपने तो मालूम हुआ कि ये विसाल करना हराम है दूसरी राय ये है ताकत हो तो जायज है ताकत हो तो जायज है इनका कहना यह है कि अगर हराम होता तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ साहबा ने विसाल किया है दो दिन तो किया है ना अगर बिल्कुल ये हराम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दिन की भी उनको इजाजत ना देते और कहते कि नहीं जब मैंने कह दिया हराम तो हराम है कोई एक विसाल ना करे ऐसा तो नहीं आपने कहा सैयद ना अब्दुल्ला बिन जुबई और रवीनुमा और दीगर बाहबा और की ये राय है जबकि एक तीसरी राय है तीसरी राय क्या है कि नहीं इसमें तफस है मुतल हुक्म नहीं ना हराम का ना न जवाज का इसमें तफसल है वो तफसी क्या है जी तफस ये है कि आम तो विशाल दुरुस्त नहीं है लेकिन साहरी तक विशाल जायज है मतलब अफतारी ना करें यानी आपने साहरी के वक्त साहिरी की रोजा रखा और अफतारी नहीं की अगली साहरी तक ये इनके यहाँ क्या है जायज है और अगर साहरी अफतारी दोनों छोड़ दी जाए तो फिर इनके यहाँ आराम है इसमें भी इमाम अहमद हैं इमाम इबना है और दीगर बाजाह की ये राय है इनकी दलील क्या है इनकी दलील सही बुखारी की हदीस है मैं ये अलमकतबत शाम देखता हूं फिर उसमें आपको हम वो साथ दिखाते भी हैं जी स्क्रीन पे आपको अलमकतबत शामला नजर आ रहा है क्या मतलब नहीं नजर आ रहा जी सर आ रहे हैं। आ रहा सर जी गुमसुम बैठे हुए हैं सारे नहीं सर हम सुन रहे हैं जी नहीं सर साथ साथ बोलते भी हैं ना साथ साथ बोलते भी हैं जी सर अच्छा ये हदीस के सामने है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अनु की नबी मुकरम सल्ला से इन्होंने सुना फरमारे थे जब वो चाहे कि वो विशाल करे फल युवा तो वो शहरी तक विशाल कर सकता है इस अदीस को मद्देनजर रख के हमने तीसरा गुरोह जो पढ़ा है उनका कहना यह है कि आम विशाल तो मन है कि बगैर साहरी अफ्तारी के आप रोज़ा रखें लेकिन सिर्फ अफतारी को छोड़कर आप विसाल कर सकते हैं ये मुबारक इनकी दलील है तो ये तीन तरह की आ रहा है हाँ जी आपको कौन सी अच्छी लगी है राय वालेकुम सलाम स्टा जैसे आपने अभी बोला कि शहरी से लेके अगली शहरी तक विशाल होगा ये तो बिल्कुल रोजा अहले किताब की तरह बन जाएगा वो भी ऐसे ही रखते हैं एक, एक शहरी से लेके नंबर जो तक है, तक ना है ना वो है 1963 जी आप में से कोई सवाल कर रही थी जरा दोबारा करें आपने आखिरी हदीस पढ़ी ना जिसमें लिखा था कि वे करें शहरी से लेके शहरी तक तो इस ये तो बिल्कुल वो अहले किताब की तरह रोजा बन जाएगा वो भी ऐसी रोजा रखते हैं कि एक शहरी जब उन्होंने की होती है तो अगले दिन फिर वो उसी टाइम पे जो है ना वो रोजा खोलते हैं तो शहरी से शहरी तक वो रोजा यानी कि वो भी रखते हैं तो ये तो फिर अः उनकी वो मुशाहबत हो गई ना मुझे इस वक्त नई इलम के क्या तरीका है मौजूदा अहले किताब का आपने कहीं सुना है जी जी मेरी क्लासमेट हैं वो ऐसे रोजा रखते हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलें हमने जो तीन आरा पढ़ी हैं तो जिसको पहली राय के साथ इत्तेफाक है वो हाथ खड़ा करें जी रुबीना हनीफ मोहम्मद सलीम और अब्दुल्ला जुलफकार माशाल्लाह ये तो लाइन लग गई बड़े सख्त लोग हैं जी आप हराम हराम के फतवे देते हैं तो हराम नहीं इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मना किया तो मना ही हो जाना चाहिए हम्म जायज है पर नहीं रखना अच्छा जी जायज है पर नहीं होना चाहिए ठीक है हाथ नीचे कर लें दूसरी राय के साथ जो मुत्तफिक हैं वो हाथ खड़ा करें जी दूसरी राय के साथ मुतफिक हैं जी सुमरा अतिया और अबू अनस ताकत हो तो जायज है ठीक है आप में से कोई बात करना चाहे इस हवाले से जी, मेरे जेन में बात आई है कि क्राम तो को एहतियात सिखाई है तो फिर इसमें एहतियात ही करनी चाहिए नहीं रखना चाहिए बेहतर यही है सही है अगर मना फरमाना होता तो आ, मना कर देते आका सला, सला। जी जो सुन्नत तरीका है वो तो यही है ना कि शहरी करो और सारी जो है वो जल्दी करो और शहरी लेट करो तो जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है वो करने के बजाय वो चीज जिससे एहतियात बताई जा रही है या मना किया जा रहा है तो वो काम करने का क्या फायदा अभी एक तरीका है वो इंसान काम कर ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला ही अलग था यानी उन्हें तो अल्लाह ताला खिलाफ ला देते था ना तो ये तो हमारी अपनी सोच बनी हुई है नहीं आप नहीं इसके साथ हैं मुझे ये बताएं जो तीन हमने आरा नकल की हैं आप क्या राय रखती हैं ये बताएं <laughs> मेरे तो ख्याल में इससे एहतियात ही करनी चाहिए यानी नहीं ऐसा करना चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जी विशाल न जायज है मेरे ख्याल क्योंकि ये देखे अगर कोई बंदे को मजबूरी हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर नहीं 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 जो आप बात कर रहे हैं ना उसको तो विशाल कोई भी नहीं कहता जी वो विशाल है ही नहीं विशाल वो फिर क्या रहा सोया रहा सहरी उसने नहीं की ऐसे रोजा रखेगा उसको विशाल का ही नहीं जाता वो तो बस मजबूरी की वजह से वो नहीं रख सका अगर कुछ खाने को नहीं मिला अफतारी के टाइम है। यहाँ पे वसाल, नहीं वसाल नहीं। तो ऐसा ही है कि उसने नियत की उसने इरादे के साथ वो ये काम कर रहा है जी 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 अच्छा तीसरी राय के साथ कौन मुत्तफिक है वो हाथ खड़ा करें सर, सर मुझे यहाँ थोड़ा सा पूछना था कि जो वसाल है ये रमजान से हटके रोजों के बारे में ना नहीं नहीं रमजान के रोजे भी हैं मतलब विसाल रमजान के रोजों में भी हो सकता है हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बात अगर कोई नियत यहाँ विशाल का जो ताल्लुक है ना वो रमजान के रोजों के मुताबिक बात हो रही है जी अजान अली ये अकेले ही हैं तीसरी राय में अकेला ही चला था जानिबे मंजिल लोग मिलते गए कारवां बनता गया आपका कारवां किधर है या अभी तक अकेले हैं आप जी हाँ हमारे यहाँ जो हमारे अस्ता हैं बाज उनकी राय यही है तीसरी राय के साहरी तक विशाल दुरुस्त है क्योंकि बुखारी से रिवायत मिल गई आपने फरमाया कि जो विशाल करना चाहे पहले तो आपने मना किया ना लेकिन फिर फरमाया कि अगर कोई करना चाहे तो साहरी तक कर ले इस पर आ, लिखा है सही ने खुजैमा के हवाले से मैं बल्कि सही ने खुजैमा भी हम देखते हैं अगर हमारे वो सामने आ जाए उसका नंबर भी हम्म ये लैपटॉप जो है ना इसमें ये जो अलमकता तो शामिल है ये भी सीखें चलाना इस पर जो अतिबियान इस्लामिक सेंटर वाले हैं हमारे भाई वो करवा रहे हैं कोर्सेज मकतबा सिखाते हैं वो असलाकुम उस्ताद मोहतरम इसमें उर्दू तर्जुमा नहीं है मकतबा शाम नहीं होता इसमें अच्छा जी ये हदीस है सही खुजैमा से इसमें क्या है जी अबू हरेरा रबी फरमाया कि रसूल विसाल करते थे साहरी तक बुखारी की रवायत में उन्होंने पढ़ा ना कि आप साहरी तक आपने फरमाया कि जो विसाल करना चाहे वो करे उस पर यह हदीस मैं पेश कर रहा हूँ नबी आई का तो इस पर अमल था जिस तरह अबू हरेरा बयान फरमा रहे हैं अच्छा आगे जो बात है वो गौर है फाला तो किया बाद ही आपके बाद सहाबा ने भी आपके बाद सहाबा ने भी ऐसा किया फाना हा हो तो आपने उन्हें मना कर दिया कि तुम ऐसा ना करो फिर एक ने कहा है यार फालिक आप भी तो ऐसा करते हैं तो आपने लस तुम मिसली तुम मेरे जैसे थोड़ी हो मैं रहता हूँ अपने रब के यहाँ कि मुझे खिला पिला दिया जाता है ये रिवायत जो इब खुजैमा की है ना इसको मद्देनजर रखें तो अभी हमने जो तीन अकवाल पढ़े हैं उसमें जो तीसरा कॉल था इधर गया हम्म ये जो तीसरा कॉल था ना इसमें फिर आगे दो आ जाती हैं एक इसी कॉल के हिमायती हैं और एक इसी के मुखालिफ हैं हिमायती हमारे एक उस्ताद साहब हैं उन्होंने सही बुखारी की शरा लिखी है उन्होंने क्या कहा कि अभी हमने जो इब्न खुजैमा वाली रिवायत पढ़ी है ना जी इब्न खुजैमा वाली रिवायत को मद्देनजर रख कर वो कहते हैं कि ये विसाल ممنوع ही है सर जी उन उस्ताद ए मातम का नाम बता दें उनकी किताब है हिदायत कारी शरा सही बुखारी हाफिबुद्दस्तार अल हम्माद मुफ्ती पाकिस्तान है वो बरा उन्होंने ये फरमायाद नजर रखे करना है वो सारी तक कर ले फिर आपका अमल तो उस पर जारी रहा लेकिन देखा देखी साहबा ने भी शुरू कर दिया तो आपने डांट दिया और कहा कि तुम ना रखो दूसरा कौल जो है ना वो ये है कि नहीं इबन खुजैमा वाली जो रिवायत है ना वो शाज़ है शाज़ मतलब जीफ है ये किसकी राय है ये हाफिब ने हजर की है बारी में मेरे पास फतुल बारी नहीं थी वो आप में से एक स्टूडेंट ने माशाल्लाह हदिया दी है तो अब बार बार आपको मेरी जुबान पे हाफिब ने हजर का और बारी का नाम सुनने को मिल रहा है अल्लाह ताली उसे खैर दे और हमें तोफीक दे कि हम इससे कमा हक हुआ फायदा हासिल करें हाफिज इबन हजर रहा ने कहा है कि इब्ने खुजैमा वाली रिवायत ही शाज है शाज क्या होती है शाज वो रिवायत होती है जो किसी सही हदीस के मुखालिफ हो अब दोनों हदीसें आपस में टकरा रही थी तो हमने इस पर बात की है ना तो जब दो अदीस आपस में टकरा रही तो इस पर तफसीली बहस उन्होंने की है और उसूली तौर पर यह साबित किया कि इब्ने खुजैमा वाली रिवायत शाज है क्या मतलब हाफिज साहब ये फरमाते हैं कि ये तफसील वाली बात सही है हाफि इबन हजर रहमा अच्छा मजे की बात ये है खुद इमाम इबन खुजैमा की भी यही राय है तीसरी वाली उन्होंने भी उससे वो नहीं समझा जो दिगर लोगों ने समझा है ले जी हमने आपके सामने आहल इलम और उनकी आरा इस हवाले से विशाल के हवाले से रख दी है अब आप इस पर मजीद गौर गौज करें और मजीद कुछ मुताला भी करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे जी शुमाला ने लिखा है कि अगर नबी अरे इस्लाम को खिला पिला दिया जाता था तो विशाल कैसे हाँ नीचे एक ने लिख दिया कि वो ज़ाहरी लिहाज से था ठीक है अल्लाह कबीरा वो भी तो हो सकता है ना भी भी आप भी भी सरे भी सरे भी को अल्लाह इस्लाम का मामला और है आप बशर थे इंसान थे इस पर इत्तेफाक है कुछ लोग कहते हैं कि आप बशर थे नूर थे वो तो गलत है राय और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारी तरह के ही आप बशर थे ये बात भी गलत है इंसान होने के अतबार से यही थे आप बशर ही थे लेकिन कुछ इजाफी खसूसियात अल्लाह इज़्ज़त ने आपको अता की हुई थी ये मोतदल राय है, है इंसान ही अना बशरु मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ फर्क क्या है यू हालाई मेरी तरफ वही की जाती है की आखिरी आयत मुबारक है तो है हमारी तरह के इंसान ही मतलब जिस तरह इंसान को हाजात पेश आती हैं वगैरह वो सारा कुछ वही था आप वसल्लम का लेकिन चंद इजाफी जो है वो चीजें आपको हासिल थी आपका सदर

आज भी बहस हो रही थी एक सिस्टर कह रही थी कि जो हमारे आयाम होते हैं जिसमें औरतें नमाज अदा नहीं करती तो वो कह रही थी कि खान पाक की तलावत नहीं कर सकते तो मैंने उनको बोला था कि कर सकते हैं वो कह रही थी एक से बार से थोड़ा सा वेट करें जी आप जारी रखें वो कह रही थी कि सही बुहारी में इतनी ज्यादा हदीस मिलती हैं वो एक मिर्जा इंजीनियर की बात कर रही थी वो तो कह रही थी कि बिल्कुल भी आप तलावत नहीं कर सकते हाथ तक हाथ तक नहीं लगा सकते तलावत भी नहीं कर सकते तो वो कह रही थी कि आ, फिर आप मुझे बताओ मैंने कहा मेरे सर ने ये बताया कि आप कर सकते हो तो आप कोई दलील है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर दू hmm. मना करने की क्या दलील है उनके पास क्यों रोक रहे हैं वो वो कह रही थी कि मिर्जा इंजीनियर इस तरह वो बता रही थी कोई वो है। तो बेचारा अकल से पैदल आदमी है उसकी क्या बात है तो वो कह रही थी कि वो है वो सही बुहारी की किताब मकल... मतलब के कि पकड़ के बता रहे थे तो वो तो पकड़ के, के बताना और होता है, है। मैंने, मैंने आज भी खुदा जुमा में जो है ना उसका नाम तो खैर नहीं लिया लेकिन उसी पर रद्द किया है कि वो लोग उससे मरूब हो जाते हैं उसकी वीडियोज में बयान करदा बात के साथ नीचे हवाला जो है ना वो मेंशन किया होता है सूरत नंबर आयत नंबर फुला यह हदीस नंबर फुला किताब फुला कई बार ऐसा हुआ देखा मतलूबा नंबर पर वो रिवायत थी नहीं अगर है तो उसमें वो नहीं है जो वो बयान कर रहा है इस पर मुफ्ती अलवी साहब उन्होंने रिटर्न उसका जवाब भी लिखा है और उसकी कई खयानतें जाहिर की हैं ये शेख तो रहमान भी हैं इनके बारे में बहुत जी, जी शेख तो भी आजकल माशाल्लाह उनका स्टेटस मेरे पास है। है पे तो वो मैं देखता उनकी वीडियो मुझे मैंने देखा है उसमें कि माशाल्लाह वो भी अच्छा रद्द कर रहे हैं जी अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ ये गूगल है मैंने यहाँ पे लिखा हाइजा कुरान की तिलावत कर सकती है जी नजर आ रहे ना जी सर बिल्कुल इस पर ये जो है ना ये बहुत अच्छी वेबसाइट है इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है इस्लाम सवाल जो आप जी ये बहुत अच्छा लिखते हैं ये तर्जमा हमारे दोस्त हैं जो करते हैं

इसमें जो कायल हैं और जो मान्य हैं दोनों के दलायल मैंने एक बार इसको तफसी पढ़ा था ये वही है जी सर ये हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह जिनकी वो तफसर बयान है हाजियों को भी देते हैं जी सर ये उनका मजमून है बाकी इसमें हमारे यहाँ भी ना के खिलाफ बहर है ठीक سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته